नमस्कार दोस्तों, वैदिक एस्ट्रो लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सपने में कंगारू देखना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि इसमें कही गई बातें आपको अच्छे से और स्पष्ट समझ में आ सकें। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, तो चलते हैं अब वीडियो की ओर। दोस्तों सपने में कंगारू देखना, यदि आप अपने सपने में कंगारू देखते हैं तो इसका मतलब आपका सौभाग्य बदलने वाला है, आपका अच्छा समय आने वाला है। लेकिन वर्तमान में जो आपका जीवन है बहुत ही बेकार चल रहा है। दोस्तों सपने में छोटा कंगारू देखना मतलब कंगारू का बच्चा देखना। अगर आप छोटे कंगारू को देखते हैं तो इसका मतलब आप अपने बच्चों के साथ बहुत ही भावुक रहते हैं, आप अपने बच्चों को ज़रा सी परेशानी में नहीं देख सकते। दोस्तों सपने में कंगारू को कूदते हुए देखना, यदि आप अपने सपने में कंगारू को कूदते हुए देखते हैं तो मतलब आने वाले समय में आपको सफलता प्राप्त होगी, आपके घर में बहुत सारे खुशियों का माहौल बनने वाला है, साथ ही यह सपना बहुत ही शुभ है। दोस्तों सपने में कंगारू को पिंजरे के अंदर देखना, यदि कंगारू को पिंजरे के अंदर देखते हैं तो यह सपना अशुभ होता है और आने वाले समय में आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम और बदनामी लग सकता है। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस काम से ही आपको बेइज्जत होना पड़ सकता है, आप कुछ लोगों से दूर ही रहें तो अच्छा रहेगा। सपने में कंगारू को मारना, दोस्तों इंसान को भी जब कोई मारता है तो उसको दर्द होता है, उनको भी लगता है, वैसे हर एक जीव जंतु को भी दर्द होता है। कुछ लोग तो फालतू में जानवर को मारने में लगे रहते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है। अगर सड़क में गाय चल रही है तो पत्थर उठाकर मार ही देते हैं, पता नहीं ऐसे लगता है कुछ लोगों का हाथ खुजलाता रहता है। कुछ लोग तो बोलते भी हैं ना कि आज हाथ में बड़ी खुजली हो रही है, लगता है किसी को एक दो हाथ दे दें। लेकिन दोस्तों यहाँ मारने और मरने की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ सपने में बात हो रही है। अगर आप सपने में कंगारू को मारते हुए देखते हैं तो यह सपना अशुभ होता है, यह संकेत दे रहा है कि आपका किसी के साथ लड़ाई दंगा हो सकता है और उस झगड़े से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और आपके ऊपर बड़ी मुसीबत आ सकती है, इसलिए आप लड़ाई झगड़े से दूर ही रहें तो अच्छा रहेगा। दोस्तों सपने में कंगारू का खाना खाना देखना, यदि आप सपने में कंगारू को खाना खाते हुए देखते हैं तो यह सपना बहुत ही अच्छा होता है और आने वाले समय में आप अपने परेशानियों को अच्छे से संभाल लेंगे, आप परेशानियों को जीत लेंगे। लोग थोड़ा सा भी परेशान हुए नहीं कि कई तरह के मुंह बनाने लगते हैं और किसी के गुस्सा किसी के ऊपर उतार देते हैं, लेकिन जो परेशानी को काबू कर लिया और उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता और वही इंसान अपने जीवन में सबसे आगे बढ़ जाता है। दोस्तों सपने में कंगारू से डरना, अगर कोई जानवर आपसे दोस्ती कर लेता है तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, वो खुशी अलग ही रहती है। लेकिन सपने में कंगारू से डरना मतलब आप बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों से ही डरते रहते हैं। दोस्तों सपने में मरा हुआ कंगारू देखना, यदि आप अपने सपने में मरा हुआ कंगारू देखते हैं तो यह सपना अशुभ होता है, आने वाले समय में आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं, आपके व्यवसाय में नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों सपने में कंगारू को जोड़ा देखना, कौन इंसान नहीं चाहता कि अपने जीवन साथी के साथ समय बिताए, साथ रहें, वैसे जानवर भी रहते हैं, उनका भी प्यारा सा परिवार होता है, उनके भी बीवी बच्चे रहते हैं जैसे हम लोग के रहते हैं, और यह सपना आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपको हर काम में सफलता प्राप्त होगी, आप और आपके जीवन साथी एक दूसरे को एक बराबर का दर्जा देते हैं और देना भी चाहिए। दोस्तों सपने में कंगारू से हाथ मिलाना, यदि आप अपने सपने में कंगारू से हाथ मिलाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आने वाले समय में आपका भाग्य खिलने वाला है, बदल जाएगा। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।